छह दिन छह खाना मेरे देसी घी में। तो मेरे दिल की ख्वाहिश है मेरा बड़ा बटा नहीं बनेगा ना, मेरा छोटा बड़ा कुकिंग जरूर करेगा, जिला जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये पीढ़ी चलेगी, इंशाल्लाह ये पीढ़ी चलेगी। जैसे मखनी अंडी है, चिकन कीमा है, मटन चने हैं और सीख कबाब है। और ये मज़े की आप बताऊँ, आप लाहौर में जो बकरा खाते हैं वो आपको पैसों का मिलता है, ठीक है, रोटी मिलती है। जिले के पास आएंगे एक डील दो नान स्पेशल रहता, और जो मेरी मटन की डील है वो बोटी बिल्कुल फ्री है, वो अल्लाह के नाम किया। दुआ है माँ बाप की बड़ी दुआ है, तो इसलिए मैंने ना आप लोगों ने मेरी मदद की है, मैं ऊपर आया हूँ। ये जिला कब से बने आप? ये मुझे 17 साल हो गए। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं खुशी गुप्ता सलीम। इस वक्त मैं जिला फूड पॉइंट पे मौजूद हूँ, जो कि असली देसी घी में खाना बनाते हैं। तकरीबन इनका डेली का जो है 300 kg तक जो है खाना बनता है। और ये कब से यहाँ खाना बना रहे हैं, इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये मज़दूरों को और जो मदरसे के बच्चे हैं उनको ये फ्री खाना खिलाते हैं। इसके अलावा अब जो है इनके पास बकायदा टोकन के हिसाब से जो है खाना जो है लेने आती हैं लोग। इतना लोग पसंद क्यों करते हैं ये जिला, जो है मुझे लगता है आजकल जिला एक नशा बन गया है जो सबने किया है। ये नशा लोगों को कैसे लगा, कब से लगा है, ये इन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमज़ान उर्फ जिला है। मेरा नाम रमज़ान है, मेरे बाप का नाम जिला है। ये जिला कब से बने आप? ये मुझे 17 साल हो गए। जिला बनने के पीछे क्या वजह है आपकी? बस ये माँ बाप की दुआएं हैं मेरी। हमारा खानदानी काम चिकन चनों का है, ठीक है। मैंने 6 दिन 6 खाने मैंने खुद बनाए, अपना मेरी मियाँ बीवी ने बनाए हैं। जो हमने पहले 6 हांडी लेकर आते थे, अब हम 1 हांडी लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम शौक रहते हैं अच्छी चीज़ बनाने का। आपका ये खाना आपकी बेगम और आप दोनों मिल के बनाते हैं? कितने बजे शुरू करते हैं ये बनाना? सुबह 6:30 बजे उठते हैं, ठीक है। तो हमें 10:30 हम बजते हैं, रात को भी हम कटिंग करते हैं। और हाँ, हमारी हांडी एक होती है, जैसे मखनी हांडी है, चिकन कीमा है, मटन चने हैं, देसी घी के चने हैं वो भी हैं, और सीख कबाब हैं। और हमारा ये एक नई डिश आ गई, मुर्ग चने लेकर आ रहा हूँ, वो 150 रुपये की डील है, दो नान स्पेशल रहता और बोटी बिल्कुल फ्री है। और ये मज़े की आप बताऊँ, आप लाहौर में जो बकरा खाते हैं वो आपको पैसों का मिलता है, ठीक है, रोटी मिलती है। जिले के पास आएंगे एक डील दो नान स्पेशल रहता, और जो मेरी मटन की डील है वो बोटी बिल्कुल फ्री है, वो अल्लाह के नाम किया। अच्छा, आप सारे खाने देसी घी में बनाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिन 6 खाने मेरे देसी घी में होते हैं। आजकल तो लोगों को डाल्टा घी नहीं मिलता और आप देसी घी में बनाते हैं, ये इसकी क्या वजह है और कैसे पूरा हो जाता है इसका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का माल है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बचते हैं तो आ रहे हैं आप ही, ये पैसे बचते हो आ रहे हैं, वाम के पैसे वाम को ऊपर लगाते हैं। मैं ना मुर्गी खाता हूँ, ना अंडा खाता हूँ, मैं जर्दी खाता हूँ, ये है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं लोगों को भी फिर जर्दी खिलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये कह रहा हूँ कि भाई ये मेरे पास वापस आए, मुझे ये खुशी है कि ना मुर्ग यकीन करें कि मुझे शौक है अच्छी चीज़ लगाने का, और इतनी कम प्राइस में मुझे देकर खुशी होती है, दुख नहीं होता, कसम से देकर खुशी होती है। और मैंने 15 सदीका में काम किया, अब मुझे 5 माह इधर हो गए हैं, वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रही है, ये सिर्फ वाम की वजह से हूँ मैं, कुछ भी नहीं। बस आपका ये जो टेस्ट है ये शुरू से एक ही टेस्ट है या चेंज होता है? मेरा डेली डेस्ट चेंज, पहले मैं लगा था डाल्टा में, फिर मैं मखनी लगाई, अब प्रॉपर मेरा देसी घी में है, कोई खाना मैं देसी घी बैर नहीं बनाता। अच्छा, तो आपकी बेगम जो है सबसे ज़्यादा लजीज आपको लगता है कि वो कौन से खाने बनाती है या किस तरह आपका क्यों शौक हुआ कि आप ये खानों की तरफ ही जो है ना रुझान किया आपने? हमारा खानदानी काम है, तो यकीन करें मैंने जो मखनी हांडी ना मैंने 2.5 किलो मैंने बनाई थी, अब माशाल्लाह मैंने 300 kg मेरे पास है, वो सेल हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल मैंने अपना ऑर्डर कैफे बंद कर देता हूँ, पार्सल को देता हूँ, क्योंकि वो लोग दूर दूर से आते हैं, इसलिए मैं उनको अपना ज़्यादा ही दे देता हूँ। तो ये जो बच्चे आते हैं, मदरसे के बच्चे आते हैं, इसके अलावा मजदूर आते हैं आपके पास, आप देखते हैं कि इनके पास पैसे नहीं हैं तो आप उनको फ्री में खिलाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी को इनकार ही नहीं करता, आजकल बच्चे नहीं आ रहे, ठीक है, कैसे आपको खाना जा रहा है मदरसे में, कोई और जा रहा है मैं उसको भी दे रहा हूँ। ये तो आपकी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये 6 दिन में आप 6 खाने बनाते हैं, ये आपने पहले माइंड में रखा होता है कि मैंने आज ये बनाना है या बस अचानक जो दिल करता है वही बनाते हैं? ये गरवरा साहब है,
मामला साहब है, जब घर जाते हैं आपका घर में क्या पका हुआ है आपको कुछ नहीं बताता, ये वही चीज़ है। तो मेरे पास आते हैं वजीले क्या पका जी मैं बताऊँगा कुछ होगा कुछ। और मेरी ये है कि आजकल लोग का शोर बड़ा ज़्यादा है, मेरी वो जो सिटिंग है जो मैनेजमेंट वो ठीक नहीं है, उसकी मैं तराज करता हूँ। उसकी वजह ये है कि भाई अभी मैं ना वो आया हूँ फुटपाथ ऊपर, मेरे पहले फुटपाथ था, अब मैं दुकान पर आ गया हूँ। अभी फुटपाथ पे भी आपका इसी तरह रश होता था? वो तो इसी तरह रश कुछ नहीं है, फुटपाथ इसमें ज़्यादा था। अब देखें आप कि ये रश इतना ज़्यादा हो गया है तो मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, मैंने कभी किया ही नहीं है। तो यकीन करें वाम बहुत ज़्यादा प्यार देती है, वाम इतनी ज़्यादा है, अब हज़ारों की तादाद बंदा आ रहे हो, मैं जीरा एक ही है। आप देखें पहले दो बंदे काम कर, छः बंदे काम कर रहे हैं। ये है कि मेरे हाथ का जो खाना बना हो वो टेस्ट हो, अलहमदा मुझे कोई इंकार नहीं करता जीले का खाना आपका अच्छा नहीं है। तो ये है कि रश देखे वापस मत जाएँ, थोड़ा टाइम निकालें। और जो आप कह रहे हैं ना मेरे जो लड़के काम कर रहे हैं, ये मेरे दो कैफे मेरे अपने नहीं है, वो अपना खुद का ले रहे हैं। तीसरे ये कैसे स्टार्ट किया आपने यहाँ, ये जो सफ़र आपका सारा फूड का सफ़र है ये किस तरह स्टार्ट किया? ये मैं शुरू से आया हूँ, मैंने रीगा में आया था, मेरी हांडी थी, डील थी मेरी 150 रुपये की मखनी हांडी की, जो अभी यार 300 रुपये का चली गई है। तब था मैंने पेट्रोल था 100 रुपया, अब देखो किधर पेट्रोल चला गया है। ये सफ़र मेरा ऐसे शुरू हुआ है कि यकीन करें ये आप जैसे बहनों की बड़ी दुआ है, भाइयों की बड़ी दुआ है, माँ बाप की बड़ी दुआ है, तो इसलिए मैंने ना आप लोगों ने मेरी मदद की है तो मैं ऊपर आया हूँ। अच्छा ये लो, अब मैंने ये भी सुना है कि लोग कहते हैं जीला एक नशा बन गया है, और ये वाकई आपको लगता है ये एक नशा ही बन गया है? ये अल्हम्दुलिल्लाह नशा तो है, ये खाने पीने का नशा, ये वो चर्च का हबीब का नशा नहीं है, ये मैं डरता हूँ अपने खाने में कुछ नशा तो नहीं करता। ना ना, ये मैं वे मोहब्बत है, ये मेरा प्यार है, और अल्लाह पाक की ये बरकत है, ये बरकत से बना है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी आपके पास ये बात सच है कि जो बंदा आता है अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है, ये आपने खुद भी देखा है? अच्छा आपने खाना खाया तो बताएं। मैंने तो खाना खाया, ये बात सच है कि उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो इंशाल्लाह जो मखनी नहीं खाई है आपने, कभी चक्कर लगे दोबारा आपका, कभी चक्कर लगे आप मटन चने मुझे पसंद करें, चेक करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। क्योंकि हम घर से बनाते हैं, मैंने कोई बंदे नहीं रखे हुए, हम घर से मियाँ भी बनाते हैं और दिल से बनाते हैं। और माशाल्लाह इतना ज़्यादा खाना आप बना लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, हम खुद बनाते हैं, मेरा रब जानता है और मैं खुदा गवाह है कि हम मैं किसी को साथ नहीं रहता, हम खुद बनाते हैं। आपकी एक कोई और भी ब्रांच है जी, सिर्फ ये एक ही है? हमारी सिर्फ एक ब्रांच है और कोई ब्रांच नहीं है, तो हम खुद ही करते हैं और हमारे कोई ब्रांच में नहीं, लोग ब्रांचें मांग रहे हैं पर जब फेलियर होगा ना तब मैं ब्रांचें दूंगा। अजी फ्रेश ये जो जितना भी चिकन वगैरह होता है, ये जो चीज़ें होती है बिल्कुल फ्रेश होती हैं सारी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंपनी का मांस यूज़ करता हूँ, जो होता है ना असल में जो ख्वाब है ना मेरे, वो मैं और ही फूड को देता हूँ, ठीक है, मैं खुद तैयार करवा रहा हूँ, मटीरियल मेरा अपना होता है, मैं कॉम्बर से तैयार करवाता हूँ, कोई मेरे खुद रबता करे जिला भाई हमें माल दो आपका तैयार करें। और हम ब्रांड की चीज़ें लगाते हैं, कोई लोकल नहीं लगाते हैं, हमारा जो भी देसी की है क्रीम है सब ब्रांड की है। और आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, हम जो घी लगाते हैं ना हमारा सील पैक होता है, पीछे से हम नहीं डालते। ये आपने जो अभी खाना मैं आपको चेक किया तो करा सकता हूँ, हम सील पैक खोलते हैं भाई जान, दो सील देना डब्बे पैक देना। अच्छा नहीं मैंने देखा है कि वाकई में आपके पास बताना चाहते, इसलिए बताना था लोगों को पता चले ना कि हम पीछे से घी नहीं डालते, मैं कुकिंग करता हूँ लोगों के सामने करता हूँ। जी नाजी ये देखिए ये देसी घी आ गया, लेकिन मैं सूंघूंगी नहीं क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है देसी घी। और ये वाकई में पैक है, ये अब हमें खोल लेंगे, सील पैक है, ठीक है, ये चेक करें, ये ब्रांड है और किसी को शिकायत हो इसका 50 ग्राम आप लेकर। ये बात सच है कि आपका सारा खाना जो है देसी घी में बनता है, ये तो बात सच है हकीकत, क्योंकि मैंने खुद भी खाया भी और देखा भी है कि देसी घी में बनता है। मैं ये हैरान हूँ कि अब लोग जो है डाल्टा घी में नहीं बना रहे, डाल्टा घी लेना इतना मुश्किल हो गया, लेकिन आप देसी घी में बनाते हैं, ये बड़ी हैरानी की बात। बस ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, ये हुजूर पाक मुझे सदका मिला है, मुझे आस अल्लाह की है, मैं किसी के पास नहीं आता, मुझे अल्लाह की आस पर आता हूँ, यकीन करें, और मुझे मिलता है, बचता है तो हम लगा रहे ना। आपके इर्द गिर्द इतने फूड वाले हैं लेकिन सबसे ज़्यादा रश आपके पास होता है, आपको होता नहीं? आपके पास तकरीबन कितने डेली बंदे आते हैं खाने के लिए? हज़ारों की तादाद में आते हैं, हज़ारों की तादाद में आते हैं, यकीन करें। और मुझे ये खाने पीने का शौक है और वहाँ मुझे प्यार करी, इन्हों को सिर्फ मेरे अल्लाह की ज़ात भेज रही है, इन्हों को कोई नहीं भेज रहा, मेरे अल्लाह की ज़ात इसके दिल में रहम डालती मेरे वाम पर, फिर आ रहे हैं। अच्छा कुछ सब्जियाँ वगैरह भी बनाते हैं आप? नहीं पहले लगाता था, अब नहीं मैं लगा रहा, अब मेरे 6 दिन 6 सब्जियाँ महंगी हो गई? नहीं नहीं सब्जियाँ महंगी नहीं होगी, सब्जियाँ असल में ना ये घर में खा के होते हैं, घर में ये खाना टेस्टी होता है, जो पसंद हो रही है ना गोश्त खाना पसंद जबरदस्त, ये हम लो रही है तो हम खाबे वाले हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। चिकन शिकन ज्यादा? चिकन वगैरह, अब मैं खुशी की बात चिकन ही यूज करते हैं, बीफ वगैरह मटन? मटन चलने भी ले आया हूँ, चिकन यूज करता था, अब मैं मटन चलने भी ले आया हूँ, उसमें ये मेरा खाना खा लो कोई भी बोर नहीं होगा। अभी मैं बोर हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर थोड़ा सा ना आपने कुछ खुद ज़्यादा खा लिया होगा? नहीं हम खुद खाते हैं, ट्राई करते हैं, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये खाना पीना चाहिए, खाने की चीज़ें अच्छी हैं ये।
अच्छा, जिला जो है आपके फादर से आपके पास शिफ्ट हुआ, तो ये जिला आपको है कि ख्वाहिश है कि आगे से आगे आगे इसे आगे शिफ्ट होता जाए? असल में ना दो मेरे बेटे हैं, दो बेटी हैं मेरी हैं। मैंने बड़ा 16 साल दो बेटे को मैंने पूछा कि मैंने यह काम करना, कहता नहीं पापा मैंने ब्लॉकर बनना है। अच्छा। मैंने ये काम नहीं करना, वो यूट्यूब का काम है, उसको शौक है, उसको वो करना चाहता है। वो मेरे जमान में बेटा, ये आप दिखा सकते हैं पीछे वीडियो उसकी, ये वाली उसकी वीडियो है। अच्छा। तो तस्वीर है, वो ही शौक कर रहा है, वो ही टिकटॉक बना रहा है, वो ही यूट्यूब का चैनल चला रहा है। तो कहना खाने पीने का शौक नहीं है। जो छोटा मेरा बेटा ना, वो मेरे कुकिंग करता है, मेरा दिल से चाह रहे हैं कि वो जिला बने। अल्हम्दुलिल्लाह, जो छोटा बेटा ना मेरा, वो यकीन कर रहे हैं, वो उंगलियां अपनी कर छुरी पकड़ता है और हाथ कटवा लेता अपने, वो सलाद काटता है ना, तो क्योंकि जिला बनने की ट्राई कर रहा है। उसको शौक है, ये पढ़ता भी है और शौक है उसको, वो कुकिंग सीखता भी है, टीवी में कुकिंग सीखता भी है, और यकीन हाथ में हाथ देखता नहीं कि मेरा हाथ कट जाना। टीवी में नाम भी देखिए आप उनके पास बना रहे होते हैं। हाँ जी, वो देखता है, पढ़ भी होता है, सामान देख भी होता है, और अक्सर और हाथ काटा होता है। तो मेरे दिल की ख्वाहिश है, मेरा बड़ा बेटा नहीं बनेगा ना, मेरा छोटा बड़ा कुकिंग जरूर करेगा, जिला जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। ये पीढ़ी चलेगी इंशाल्लाह, ये पीढ़ी चलेगी इंशाल्लाह। आपकी पीढ़ी जो है चलती रहे तो अच्छा है, क्योंकि लोगों एक बात और बताइए, उन्होंने कहा मैंने अपने अल्लाह पर यकीन ही छोड़ना, ठीक है, झूठ मार के काम नहीं करना, ठीक है, कोई गरीब आए मैं कल से हूँ ना हूँ, सब मैंने मर जाना है। तो आपने कोई गरीब आए इंकार नहीं करनी, किसी से बात भी नहीं बोलना, कोई कस्टमर आया आपको बोले नहीं बोलना, आपने चीज़ अच्छी देनी है, थोड़ा बेच लो सुथरा बेच लो, ये कोशिश है, आप थोड़ा बचें सुथरा बचें। और सब भाइयों को दरख्वास्त है देसी घी लगाएं, ठीक है, ये 1200-1250 का डब्बा है, डाटा 600 रुपये का वो छोड़ दें घी, 1200 लगाएं, कोई मसला नहीं पड़ता, इतना पैसे बचते हैं, ये 1150 का भी मिल जाता है, 1100 का मिल जाता है, ठीक है, कंपनी से आप तामन करें आपको देंगे, 600 का घी छोड़ दें, वो वाकई खतरनाक घी है, ये लगाएं जी। बहुत शुक्रिया जी, जिला फूड पॉइंट की आपने बातें सुनी, और इन्होंने जो है आगे नया जिला भी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, नया जिला भी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो है इनकी ख्वाहिश है कि ये जिला जो है चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। आपने जिला की बातें सुनी, इनके फूड में आके चेक करिएगा, वाकई में इनके फूड में बहुत जायका, बहुत मज़े के लजीज खाने होते हैं और देसी घी में ही बनते हैं। और मज़ीद आप इनसे कुछ जानना चाहते हैं या कुछ इनके पास आना चाहते हैं, वो लोकेशन भी आपको जो है हमारे एक्सप्रेशन में आप नजर आ रही होगी। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।